हो जाइए तैयार, पहली बार ऐसी फिल्म करने जा रही हैं दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की लवली यानी दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की रियल क्वीन है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। जब से दीपिका ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब से लेकर आज तक अपनी हर परफॉर्मेंस से उन्होंने ऑडियंस को इम्प्रेस किया है और अपनी एक्टिंग के दम पर दीपिका बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई है। एक और फिल्म पद्मावत के बाद दीपिका को बिग स्क्रीन पर देखने की फैंस की बेताबी बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ काफी वक्त बीत जाने के बाद दीपिका अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कब करेंगी, ये सुनने के लिए लोगों के कान तरस गए हैं। लेकिन अब दीपिका के अगले प्रोजेक्ट को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई है। फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावती का रॉयल किरदार निभाने के बाद दीपिका अब अपनी अगली फिल्म में आपको बिल्कुल अलग अंदाज में देखेंगी। आपको बता दें कि पिछले काफी वक्त से दीपिका कई फिल्मों की स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थीं, जिसके बाद उन्हें फाइनली एक स्क्रिप्ट पसंद आ गई है। खबर है कि दीपिका ने जिस फिल्म को करने के लिए हामी भरी है वो दरअसल एक मैसिव सुपरहीरो फिल्म होने वाली है। सोर्सेज से पता चला है कि इस फिल्म में दीपिका जबरदस्त एक्शन करती देखेंगी। इस फिल्म को फॉक्स स्टार प्रोड्यूस करेगा। दीपिका इस फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। हालांकि अभी तक फिल्म का टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है। क्यों है ना ये कमाल की खबर। और सबसे खास बात ये कि दीपिका की ये फिल्म काफी बिग बजट होगी। कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन को दीपिका की ये फिल्म कड़ी टक्कर देगी। देखते हैं कि सुपर गर्ल के रोल में बाजीराव की मस्तानी क्या धमाल मचाती है।